हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। दिवाली का फेस्टिवल है और फेस्टिवल बिना मिठाई के कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तो इस दिवाली हम बनाते हैं हेल्दी दिवाली, हेल्दी स्वीट के साथ। वो कैसे? हमने एक पैन में तिल्ली लिए, सफ़ेद तिल लिया है। अगर आपके वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो आप इस तिल्ली को 3 से 4 घंटे पानी में भिगो दीजिए ताकि इसकी तासीर चेंज हो जाए। और अगर आप सर्दी में इसको बना रहे हैं तो आप ऐसे ही इसको लो फ्लेम पर रोस्ट कर लीजिए। तिल्ली को अभी आपको गीली लग रही है, लेकिन ये धीरे धीरे रोस्ट होएगी तो एकदम खिली खिली हो जाएगी। इसको हम 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर कुक करेंगे। हमारी तिल्ली एकदम बिल्कुल रेडी होगी, तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दूसरे बीज। मैंने यहाँ पर कद्दू के बीज लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी बीज यूज़ कर सकते हैं। आप कद्दू के ले लीजिए, तरबूज के ले लीजिए, किसी के भी ले लीजिए। और उनको हम जो भी बीज आप ले रहे हैं उनको 2 से 3 मिनट आप रोस्ट ज़रूर करिएगा। इस तरह से मैंने सब मैं बीजों को रोस्ट कर रही हूँ। आप इसमें यहाँ नट्स बीज के साथ आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट को भी पहले लो फ्लेम पर रोस्ट कर लीजिए और इस बाउल में निकाल लीजिए। दिवाली पर हम बाहर की अनहेल्दी मिठाइयाँ तो खाते हैं, इसलिए इस सीज़न, इस दिवाली सीज़न में आप इस तरह से बनी हुई मिठाई खाइए जो हेल्दी है और हमें नुकसान बिल्कुल नहीं करेगी। और बहुत इनके सबके बहुत अपने अपने फ़ायदे होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। तो ये हमें बॉडी के लिए बहुत अच्छी भी है। आप भी खाइए, अपनी फ्रेंड्स फैमिली में सभी के साथ ये रेसिपी शेयर करिए ताकि वो भी इस दिवाली कुछ हेल्दी खाएं। इस तरह से मैंने यहाँ अलसी को भी रोस्ट कर लिया। ये देखिए हमारी अलसी भी रोस्ट हो गई है लो फ्लेम पर। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और अलसी को भी निकाल लेंगे। हमने अलसी को भी एक बाउल में निकाल दिया। ये हमने सारे बीजों को निकाल दिया और इसे हम ठंडा होने देंगे। अब हमारा ठंडे हो गए तब इसमें मैंने यहाँ पर होममेड चॉकलेट, थोड़ी सी मैंने इसमें होममेड चॉकलेट मिक्स करी है सिर्फ बाइंडिंग के लिए, ताकि हमारे अच्छे बाइंडिंग हो जाए। ये होममेड चॉकलेट है, मैंने इसकी रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप सब एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और इसको गरम गरम में ही इसको अच्छे ढंग से आप मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पर चॉकलेट का यूज़ बहुत कम करा है सिर्फ बाइंडिंग के लिए। आप यहाँ पर चॉकलेट की जगह कंडेंस्ड मिल्क भी मिला सकते हैं, पर चॉकलेट से एक अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर चॉकलेट मिलाई है। ये देखिए हमारी चॉकलेट अच्छे ढंग से मिक्स हो गई। मतलब हमारे 4 कप बीज में 1 कप चॉकलेट लगी है। चॉकलेट की क्वांटिटी बहुत कम है और वो भी होममेड है, इसलिए नुकसान नहीं है। तो इस तरह से आप भी होममेड चॉकलेट ट्राई ज़रूर करिए और इस तरह से बनाइए ये हेल्दी चॉकलेट्स। आप इसमें अकॉर्डिंग कुछ भी ड्राई फ्रूट्स, नट्स, बीज जो अपने अकॉर्डिंग मिक्स करना चाहें वो मिक्स कर सकते हैं।